इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ 10,000 साल पहले, जब मनुष्य शिकार छोड़कर खेती और पशुपालन की ओर बढ़ने लगा। पशुओं का उपयोग ज्यादातर खेती में, परिवहन के लिए, दूध के लिए या संपत्ति के रूप में होता था। उनका मांस सिर्फ ऐसी कठोर परिस्थितियों में खाया जाता जब और कुछ भी उपलब्ध ना हो। कई मायनों में शाकाहार हमारे पूर्वजों की नैतिकता, करुणा और विवेक का नतीजा है। ये लोगों का स्वार्थ है बस, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। जब तक गाय या भैंसों से उन्हें फायदा होता है तब तक वो उन्हें रखते हैं। दूध खत्म होने के बाद कोई नहीं रखता उन्हें। भैंस के बछड़े का कोई ख्याल नहीं रखता, उसे कसाई खाने भेजकर काट दिया जाता है। ये बेहद भयानक है, क्योंकि भैंस का बछड़ा गाय के बछड़े जितना ही भावुक और मासूम होता है। भले ही वो देवी देवताओं का वाहन ना हो, पर वो बहुत निर्मल और प्यारा लगता है। अगर गाय समय पर गर्भवती ना हो पाए तो उसे छोड़ देते हैं, या फिर बूढ़ी होने पे छोड़ देते हैं। पूरी जिंदगी लोग उनसे दूध निकालते हैं, उन्हीं से पैसे कमाते हैं, पर बूढ़ी होने पर यही लोग उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं, जहां वो दुर्घटना का शिकार होती हैं, बीमार पड़ती हैं, अंत में बिना कुछ खाए पिए ये बैठे बैठे मर जाती हैं, या कुत्ते उसे जिंदा ही खा लेते हैं। ऐसा ही होता है, और भैंसे भी मारी जा रही हैं बड़ी बेरहमी से। पूरी जिंदगी लोग उनका फायदा उठाते हैं, और अंत में क्या होता है, उन्हें भयानक मौत मिलती है। बच्चा होता है तो बच्चे को माँ का दूध पी जाती है, तो उनको बेचने के लिए, धंधा करने के लिए दूध नहीं मिलता है, तो बच्चे को, जिंदा बच्चे को ट्रक से फेंक देते हैं, या तो फिर वो लोग इंजेक्शन दे के मार देते हैं, या तो बहुत दिन से बांध के रखे, मैं आँखों से देखा, उसको दूध देते नहीं, बहुत दिन से बांध के रखते हैं तो दूध नहीं, पेट पूरा अंदर चला जाता है उसका, पूरा कॉलम ये हो जाता है ना, तो कहीं फेंक देते हैं। एज पर माई नॉलेज इट इज़ बिजनेस फॉर देम, बिकॉज इन दिस विलेज ऑल्सो वेर आई स्टे तलोजा, यहाँ पे भी काफ़ी सारे गौशाला है, लेकिन आप वहाँ पे देखिए किसी को आप ये नज़र नहीं आएगा कि उनको कोई, उनकी आँखें क्या बोलती, उनकी क्या फीलिंग है, दैट कोई नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, उनका दूध कितना लीटर निकला, ये खिलाने से दूध ज़्यादा निकलेगा, ये सब चीज़ें का नॉलेज है उनको, लेकिन उनकी अपनी फीलिंग क्या है, दे ऑल्सो नीड रेस्ट, दे ऑल्सो नीड दैट टाइम, वो उनको फीलिंग नहीं है। और ये गाय फिर जाती है कत्ल के लिए, ट्रकों में भर भर करके, भर भर करके जाते हैं। अब ये जो गाय जाती है बहुत ही बुरी तरह से काटते हैं, जिसको कहते हैं मॉडर्न स्लॉटर हाउस, उसमें वो भैंस को के पैर पर बेड़ी डाल देते हैं, एक पैर पर, और उसको एकदम से झटके से ऊपर उल्टा टांग देते हैं, इसमें वो टांग टूट जाती है। उसके बाद एक लाइन में भैंसों को डालते हैं जिंदा है, पहले तो उबला हुआ पानी उनके ऊपर डालते हैं ताकि उनके शरीर, त्वचा जो है वो हल्की हो जाए। उसके बाद उसका गर्दन काटते हैं थोड़ा सा, ताकि खून निकलता रहे, खून निकलता निकलते जाता है, क्योंकि खून वो बेचते हैं दवाई की इंडस्ट्री को, ये जो आयरन टॉनिक और आप सब लेते हैं ये वही खून है। फिर उसके बाद वो उसका चमड़ा उतारना शुरू कर देता है जिंदा भैंस से, और उसके बाद ही वो गाय भैंस जो भी है मर जाती है। ये मॉडर्न स्लॉटर हाउस जिसको कहते हैं, जो केरला के स्लॉटर हाउसेज हैं उनका भी अनोखा तरीका है गाय भैंस को मारने का, और वो ये है कि वो हथौड़ा लेते हैं और सिर पर हथौड़ा तब तक मारते हैं जब तक पूरा मुंह शरीर फट ना जाए। और क्यों करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे मांस मीठा होता। और जगहों में तो वो कभी रस्टेड ब्लेड के साथ करते हैं, कभी छुरी के साथ करते हैं, लेकिन 15 मिनट से आधा घंटा लगता है उस गाय या भैंस को मरने के लिए। गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी होने के कारण आज गौ हत्या का मुद्दा एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। कई सवालों का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला था, मेरी खोज जारी रही। लाखों का धंधा है, एक एक दो दो करोड़ का, आप सोच सकते हैं। जो 3500 किलो मैंने गौ मांस का गाड़ी पकड़ा था, अगर वो 300 रुपया पकड़ते, 300 रुपया 3500 किलो, तो आज वो 12-14 लाख का होता है। आप सोच सकते हैं, वो आइसर गाड़ी 18-20 लाख का आज मांडवी चौकी पे ऐसे ही सड़ रहा है, आज 6 महीना होने को आया। तो ये लोग भी इतनी पावरफुल है कि कल हमको, हमारा एक्सीडेंट भी करवा सकती है, हमें
तीन टाइम पुलिस के सामने मारा गया है, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, और अभी तो एक महीने ये 20 दिन महीने पहले पुलिस को भी मारा गया। हमारे गौरक्षक राजेश पाल को 200 जन ने मॉब लिंचिंग करके मारा। तो इस सिचुएशन से हम गौरक्षा करते। धीरे धीरे देश में डेयरी फार्मर्स की और उनके यूनियंस की संख्या बढ़ती गई। अपनी योजनाओं द्वारा सरकार भी डेयरी फार्मर्स और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देती रही। असल में यही डेयरी और बीफ के बीच की कड़ी है। 100 बात की एक बात बोली जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने से हम पशु हत्या का समर्थन करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 और 48 के अनुसार सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को छोड़कर कृषि और पशुपालन के सभी संगठन राज्यों के दायरे में आते हैं। इसीलिए सिर्फ राज्य ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के विषय में निर्णय ले सकते हैं, ये बात उन पर छोड़ दी गई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखें तो भारत ने गो मांस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन भैंसों का मांस कैरा बीफ नाम से अभी भी एक्सपोर्ट होता है। बैल, गाय या गाय के बछड़े का मांस हम निर्यात नहीं करते। बैल, गाय और उनके बछड़े की सुरक्षा से संबंधित पूरा प्रबंधन राज्यों द्वारा देखा जाता है। हम इनमें से किसी के निर्यात की अनुमति नहीं देते, लेकिन पश्चिम में भैंस के मांस के लिए कारा बीफ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो भैंसों के लिए ये अनुमति है, इनका निर्यात हो सकता है। We are the world's largest beef exporters. और ये बीफ जो हम कहते हैं भैंस का है, ये भैंस और गाय दोनों का मिला हुआ है, कोई चेक करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए बंधे हुए हैं। शहरों में भी कुछ छिपे हुए कसाई खाने हैं जहाँ बीफ को मटन के साथ और चर्बी को घी के साथ मिलाया जाता है। हम डेयरी उद्योग की अमानवीय प्रथाओं से इस कदर अनजान क्यों है, जानने के लिए मैंने पूरे भारत में तकरीबन 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की और डेयरी से जुड़े विभिन्न लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की। जैसे मैं लोगों से मिलता गया, वैसे मुझे एक पैटर्न उभरता दिखाई दिया। इस सिस्टम को समझने के लिए एक पहिए की कल्पना कीजिए। अंदर का घेरा डेयरी उद्योग है, बाहरी चक्र बीफ उद्योग है, और दोनों को जोड़ने वाली कुछ कड़ियां हैं जो इस व्यवस्था को बरकरार रखती हैं। Yeah.